सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज के इस व्लॉग में हम जाएंगे मेरे बाल के रिटिंग करवाने, क्योंकि ये मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने एक भैया से बात करी है, यहीं पास में एक सलून है, वो भैया से मिलाऊंगा आपको मैं। वहाँ की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार करवा के देखते हैं, वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो और उसी पे मैंने सोचा कि ब्लॉग भी काफ़ी दिनों से मेरा नहीं आया था, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से नहीं, 4 महीने से ब्लॉग नहीं डाला है मैंने। एक एल्बम आया था बीच में, उसका ब्लॉग भी नहीं डाला था, बस एल्बम डाला था, उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था। मैंने सोचा ब्लॉग डाल देते हैं। तो गाइस, ये बंदा आया है नीचे से और इसने मुझे कल बाइक से गिरा दिया था, तो ये मेरा हाथ चोट आ गई थी, इसने मुझे कल गिरा दिया था। और गाड़ी भी हमारी फूट गई, वो नीचे खड़ी है, उसको ठीक करवाएंगे हम। इतनी गंदी चलाता है, बहुत गंदी चलाता है, इसके साथ गाड़ी पे नहीं बैठना। सबसे पहले तो हम यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं भैया से सलून पे। हम रेडी हो चुके हैं और कहानी में ड्यूज पहले जा रहे हैं दुर्गा दीदी पास में, क्योंकि दुर्गा दीदी अभी ब्लॉग में आगे बताएंगे क्या है, जैसे तो थंबनेल का पता चल ही जाएगा। हमारा घोड़ा सो गाइस, जितना मेरे हाथ में लगा है उतना ही ये बाइक को भी लगा है। ये भी टूट गया है और ये टूट गया था, सो इसको भी ठीक कराना था हमको, तो हमने सोचा कि अच्छा हुआ टूट गया। क्या बोला तूने? अच्छा हुआ टूट गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा हुआ टूट गया। ये पहले से इसकी जो हेडलाइट है जो थोड़ी सी नीचे जलती थी, तो हमको इसको चेंज करवाना था, तो उससे पहले चेंज कराने की दिक्कत नहीं है, पर ये स्क्रैच ज्यादा दिख रहा है, तो करेंगे कुछ इसका इलाज। तो फाइनली गाइस, हम आज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से दूसरा होगा, तो यहाँ से हम भैया लोगों से मिलते हैं और आप सभी को भी मिलाता हूँ। तो भैया हाँ, और ये तो अपना ही है, यहाँ पर काम करता है, हेयर कट सीख रहा है। ये भैया की अभी बाल कलर किए हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। भैया मैं आऊँ, हम स्कूटी की डिलीवरी करके आते हैं। बिल्कुल आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, 1-1.5 घंटे में आते हैं ना। आओ मिलते हैं, जल्दी चलो दुर्गा दीदी। ये बोला पिज्ज़ा नहीं मिला तो पिज्जा मिलेगा और दुर्गा दीदी खिलाएगी, वापस आएंगे। जल्दी से जाते हैं और दीदी की स्कूटी उठाते हैं और एक पैर में चला देंगे। हम आ चुके हैं शोरूम पे सुजुकी। कांग्रेचुलेशन, कितनी खुशी। हमको लगा दीदी 15 मिनट में गाड़ी उठाने वाली है, तो हम आई नहीं। सर गाइस, हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी समय से हम यहाँ पर बैठे थे दुर्गा दीदी की स्कूटी की डिलीवरी के लिए, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे और बैठे थे क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, पर अब कोई क्राउड नहीं है और अब हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। इधर भैया थोड़ा काम कर रहे हैं, इनका ये फ्री होके हमारा काम स्टार्ट करेंगे। सो व्लॉग में बने रहो, मज़ा आएगा। एंड तो राजू यहाँ पे काफ़ी देर से बोर हो रहा है, क्यों राजू बोर हो रहा है ना? पर कोई नहीं, जल्दी काम होएगा हमारा और यहाँ से जल्दी चलेंगे। और बाकी तो व्लॉग शूट करना है और रील शूट करना है, जो कि केरेटिन होंगे बाल। हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। टीम लग चुकी है, सो इसको 45 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा, तब तक के लिए हमको बैठना पड़ेगा। सो हम तब तक के लिए बैठते हैं, तब तक भैया दूसरा काम करेंगे। और इधर भाई अपना शूट कर रहा है राजू, और इधर अपने भैया है, ये अपने गांव तरफ के ही है, अली राजपुर साइड। हाँ,
सो ओके, तब तक के लिए हम वेट करते हैं, व्लॉग में आप बने रहना, काफी मजा आ जाए। पता नहीं क्या करेंगे, मेरे को भी पता है। अभी तो अच्छा लग रहा है बालों में पकड़ने से। ओके सो गाइस, फाइनली हमारे बाल कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ, इस यहाँ पर सभी प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि हेयर कट, केरेटिन स्ट्रेच करवाना या फिर बाल हेयर कलर करवाना, कुछ भी अगर आपको फेस वॉश करवाना है, कुछ भी करवाना है तो भैया के पास आओ, काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं भैया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बाल अच्छे से काम किया, मतलब बहुत आराम से किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेल फीमेल दोनों का काम होता है यहाँ, गर्ल्स का भी हो सकता है। और जो भी मेरे फ्रेंड है, क्रिएटर है, जितने भी, भैया के पास आओ। और भैया का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर मैं भैया के पेज को मैं मेंशन कर दूँगा, भैया को DM करें, ये आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दे देंगे। बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा ना भैया? हाँ। और इस तगड़ा काम है।